जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ऋषि कर्मण अवार्ड पाने वाले मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन पर संकट आ गया है। सोयाबीन के प्रमाणित बीज की कमी हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस ने पूछा है कि जहां एक ओर किसान सोयाबीन बुआई की तैयारी में जुटे हैं, वहीं सरकार ने अब तक बीज के दाम तय क्यों नहीं किए हैं। अब तक सोसाइटियों में उपलब्ध सुपर फॉस्फेट के दाम भी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। राज्य में खाद और बीज की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच किसानों का मुद्दा गर्मा गया है। इस समय प्रदेश भर में किसान सोयाबीन की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। इधर सरकार ने अभी तक बीज के दाम ही तय नहीं किए हैं। सोसाइटी पर सुपर फॉस्फेट उपलब्ध है, पर इसके दाम घोषित नहीं हुए हैं। इससे किसान परेशान हैं। प्रदेश भर में प्रमाणित बीज का उत्पादन घटने के कारण भी सरकार कटघरे में है। इस संबंध में कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से अब तक बीज के दाम तय नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने खाद और बीज की कालाबाजारी भी शुरू होने का आरोप लगाया है। सोसाइटी पर उपलब्ध सुपर फॉस्फेट के दाम भी अब तक घोषित नहीं करने पर सवाल किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रमाणित बीज का उत्पादन घटा है। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विभाग और बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 2018 की तुलना में 2021 में आधा रह गया है। 2018 में खरीफ फसल में बीज निगम द्वारा प्रमाणित सोयाबीन का 66,831 क्विंटल उत्पादन हुआ था। 2019 में यह घटकर 25,363 क्विंटल रह गया। 2020 में 19,762 रहा और 2021 में सिर्फ 13,212 क्विंटल ही रह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।